काबिलों को करके दरकिनार, उनको बनाया था आयोग का अहदेदार। अब हाई कोर्ट ने दिया आदेश, अनिल यादव की नियुक्ति अवैध करा। आयोगों पर लगातार अदालत का हथौड़ा, लो नब गए अनिल यादव, अब तक हो गए 11। जी हाँ, 29 मार्च 2013 को मुख्य सचिव ने सभी 83 लोगों का बायोडाटा देखने के बाद 30 मार्च 2013 को अनिल यादव का नाम मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा। मुख्यमंत्री के यहां से 31 मार्च 2013 को डीएम मैनपुरी को अनिल यादव के चरित्र का सत्यापन के लिए भेजा था। एक दिन में ही हो गया था सारा सत्यापन, वो भी रविवार के दिन। लेकिन अब हाईकोर्ट ने कह दिया है कि ये तो अवैध है। काबिलों को करके दरकिनार, उनको बनाया था आयोग का अहदेदार। अब हाई कोर्ट ने दिया आदेश, अनिल यादव की नियुक्ति अवैध करा। आयोगों पर लगातार अदालत का हथौड़ा, लो नब गए अनिल यादव, अब तक हो गए 11। दरअसल तमाम आयोगों पर अदालत का हथौड़ा चल रहा है। इधर प्रतियोगी छात्र संघ की दायर याचिका पर मंगलवार को दिन भर चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए अनिल यादव की नियुक्ति को अवैध करार दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए एक से एक काबिल लोग थे लाइन में, लेकिन एक शख्स का बायोडेटा पूरे 82 लोगों के बायोडेटा से इतना बड़ा हो गया था कि तमाम लोगों की डिग्रियां डगमगा कर रह गई और सरकार का दिल आया था केवल अनिल यादव पर। आज उन्हीं अनिल यादव की नियुक्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध करार दे दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने अनिल यादव की इनिशियल अपॉइंटमेंट को अल्ट्रा वायरस माना, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन माना हुआ है और विदाउट फॉलोइंग द डेलीबरेटिव प्रोसेस इन अकॉर्डेंस विद द सभी सबमिट जो पाया है, इस आधार पर उनके अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया। चाल चरित्र और शैक्षिक योग्यता से लेकर आपराधिक मामलों तक सवाल तो बहुत है अनिल यादव को लेकर, लेकिन न जाने क्यों अनजान बनी रही सरकार। अब हर उंगली सरकार पर ही उठ रही है। एक युग आदमी को बैठा देना इस सरकार की इतनी बड़ी घटिया और मूर्खतापूर्ण काम था जिसको उच्च न्यायालय ने दुरुस्त किया है। मैं उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि इस आदमी ने वहां जातिवाद चलाया, तमाम प्रतिभागियों ने इसके खिलाफ आंदोलन किए। हम ये मांग करते हैं कि ये इनके कार्यकाल में जो भी नियुक्तियां हुई उनकी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये अपात्र घोषित किए गए हैं, दूसरी चीज इन नियुक्तियों को लेकर के भारी पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनकी उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच हो। बहरहाल लगातार चल रहा है आयोगों पर अदालत का हथौड़ा। अनिल यादव से पहले यूपीपीएससी के सचिव रिजवान उर रहमान हटे, 5 सदस्यों के साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सनिल कुमार हटे, उच्च स्तर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष लाल बिहारी पांडे भी हटाए गए 3 सदस्यों के साथ। सवाल ये है कि आखिर क्यों नाकाबिलों को बैठाया गया काबिलों की कुर्सी पर। साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो प्रतियोगी छात्र संघ की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर मंगलवार को दिन भर बहस हुई, दिन भर सुनवाई चली और आज फैसला आ गया कोर्ट का कि अनिल यादव की नियुक्ति अवैध है। सवाल कई उठ रहे हैं इस फैसले के बाद। सवाल ये उठ रहा है क्यों की गई इतने अहम पद पर नाकाबिल की नियुक्ति। सवाल ये भी क्यों अनिल यादव के सामने काबिलों को दरकिनार किया गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकार ने अनिल यादव में आखिर ऐसी क्या खूबी देखी थी। सवाल ये कि क्या सरकार को अनिल यादव का रिकॉर्ड नहीं पता था। क्यों नियुक्ति के समय अनिल यादव पर दर्ज मुकदमों को नहीं देखा गया। ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो गए हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवप्रताप शुक्ला जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अरुण प्रकाश जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता संजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, कोर्ट के सवालों के बावजूद भी लगातार हमारे सवालों को समाजवादी पार्टी टालती रही, लेकिन अब तो कोर्ट ने कह दिया कि मनमाने तरीके से अपॉइंटमेंट दिया गया था अनिल यादव को और यह अवैध है। मैं आज कहूंगा संजीव यहां है समाजवादी पार्टी के लीडर से कम 4-5 बार अनिल यादव पर हम लोगों ने बिग बुलेटिन किया होगा। जब जब बच्चों ने आंदोलन किया, उन पर लाठी चली, उनके हाथ पैर तोड़े गए, उन पर मुकदमे लादे गए, तब तब हमने आवाज उठाई। हर बार समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे अनिल यादव दुरुस्त है, अनिल यादव अच्छे हैं, अनिल यादव भद्र पुरुष है, अनिल यादव सर्वाधिक योग्य व्यक्ति है। मैं कहता था कि अनिल यादव हाई कोर्ट से जाएंगे और वही सच हुआ, गए ना। आपने रोक नहीं पाया ना,
एक नहीं 11 लोग गए, 11 लोग अब तक जा चुके, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य गए, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके 5 सदस्य गए, अनिल यादव और उसका सेक्रेटरी गया आयोग का। कैसे हो गया? जो बात अदालत सुन ले, जनता का दर्द अदालत समझ ले, लाठी डंडा गोली लात खाया बच्चों ने, आंदोलन हुए, पुलिस की बर्बरता हुई नौजवान छात्रों पर, प्रतियोगियों पर, अदालत ने उनकी पीड़ा को सुना लेकिन सरकारों ने नहीं सुना। दो बात कहूंगा जिस पर बहस चले तो प्रसन्नता होगी जी। पहला सवाल, चपरासी की नियुक्ति भी होती है मिश्रा जी तो रिकॉर्ड देखा जाता है, यह तो संवैधानिक पद पर नियुक्ति थी, बिना रिकॉर्ड दे चेक किए कैसे हो गई? जब ये जिला बदर था आदमी, जिला बदर हो चुका आदमी, इस पर 307 का मुकदमा दर्ज, उसके बाद ये आदमी कैसे हो गया? एक। और दूसरी बात, अगर इनकी नियुक्ति अवैधानिक, असंवैधानिक, अवैध, हाईकोर्ट ने तीनों शब्द इस्तेमाल किए, अवैध, असंवैधानिक और अनियमित नियुक्ति, तो इनके द्वारा लिए गए सारे फैसले भी स्वतः अवैध हो जाएंगे। अब भी समय है इनके द्वारा जो फैसले लिए गए हैं उन फैसलों को रद्द किया जाए, या कम से कम इतना किया जाए कि उनकी व्यापक जांच कराई जाए और जो फैसले संदिग्ध हैं, जो फैसले अदालतों में हैं, वो सारे फैसले निरस्त किए जाए, क्योंकि अवैध व्यक्ति के द्वारा लिए गए फैसले वैध नहीं हो सकते। ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल संजीव मिश्रा जी, सवाल तो यही कि कोर्ट ने भी कहा है कि मनमानी तरीके से अपॉइंटमेंट दिया गया अनिल यादव को, क्या रिकॉर्ड सरकार की तरफ से नियुक्ति देते वक्त नहीं देखा गया था? देखिए गायत्री जी, कोर्ट के निर्णय का तो सबको स्वागत करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल है और सरकार का सवाल है तो मैं समझता हूँ इस पर विधिक राय लेकर के कोई ना कोई पक्ष जो भी होगा वो सामने होगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जहां एक तरफ समाजवादी सरकार बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रही है तो वहां इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हाईकोर्ट का निर्णय इस विषय पे आया है तो इस पर विधिक राय ली जाएगी और जो भी होगा वो सबके सामने। अच्छे बुरे काम की समीक्षा करने आने बैठे, मैं पूछ रहा हूं, जब जब मैंने अनिल यादव के लिए कहा कि ये आपकी सरकार को कलंकित कर रहा है आदमी, ये आपके प्रतिदिन 5,000 वोट कम कर रहा है, ये आदमी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए मुसीबत का कारण है, लाखों लाख छात्र अशांत है, आप सब लोग इसकी ढाल बन के मैदान में कूद आते थे, क्यों? ये मोहब्बत क्या थी इसलिए कटघरे में आप खड़े हैं? शिव प्रताप जी, ये मोहब्बत क्या थी? सबको पता था, इनको छोड़ के सबको पता था ये जिला बदर रहा, इस पर 307 का मुकदमा हुआ, इन पर हेरा फेरी का मुकदमा हुआ, इन पर फर्जी डिग्री का मुकदमा चला, इनको प्रिंसिपल से हटा दिया गया, जिसको प्रिंसिपल से हटा दिया गया उसको एसडीएम चुनने वाली संस्था का अध्यक्ष बना दिया। शिव प्रताप जी, ये मोहब्बत क्यों थी? देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि ये मोहब्बत कोई आज की नहीं है, पहले भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो अनिल जी सदस्य के रूप में थे, बाद में उस समय भी लोगों ने इस पर यह कहा था कि नहीं, अनिल यादव को गलत बनाया गया है। अब की बार जब यह बात चली तो सरकार हर समय यह कहती रही कि नहीं, अनिल यादव सही है, कोई इनके ऊपर मुकदमा नहीं है, यहां तक कि आरटीआई के द्वारा जब मांग की गई तब कहीं आगरा इत्यादि से उस मुकदमों की जानकारी हो सकी, क्योंकि आरटीआई को यह नहीं छुपा पाए। रिपोर्ट एक ही दिन में पूरी की पूरी इनके कैरेक्टर की लग जाती है और उसका परिणाम था कि न जाने कितने छात्रों के कैरेक्टर को इस आदमी ने बर्बाद कर डाला। सही स्थिति यह है कि इस नाते मोहब्बत अधिक है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने, आप देख रहे होंगे कि एक से एक आयोगों के अध्यक्ष धराशायी होते जा रहे हैं, सरकार ने नहीं किया, केवल कोर्ट ने किया, न्यायालय ने किया। आज अगर न्यायालय नहीं होते तो आज स्थिति यह हो कि इलाहाबाद में तो लड़कों की टांगें टूट गई, हाथ टूट गए, अधमरे हो गए और लोगों को जाकर के उन लड़कों को देखना पड़ा और ऐसी स्थिति हो गई थी कि आखिर इन बेचारों का दोष क्या है। शिव प्रताप जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल। अरुण जी, अब जो शिव प्रताप जी कह रहे उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं होता तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन तीनों में अवैध, असंवैधानिक और अनियमित
नाकाबिल अध्यक्षों को झेलने के लिए ये प्रदेश अभिशप्त रहता, क्योंकि संजीव मिश्रा जी तो इनको हटाने का सोचते भी नहीं स्वप्न में कभी, अरुण प्रकाश जी, तब ये प्रदेश ऐसे अक्षम लोगों को, नाकाबिल लोगों को, अवैध लोगों को झेलने के लिए अभिशप्त रहता ना जी। जी अरुण जी जी, आदरणीय अग्नोत्री जी, देखिए ये सरकार तो जिस दिन से आई है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, ये मन से, वचन से और कर्म से इसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। कानून व्यवस्था में लूटने का काम जिस तरीके से राहजनी, डकैती, हत्याएं, बलात्कार बढ़ी है, वो तो सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और जैसा आप स्वयं कह रहे हैं कि 307 का जो मुलजिम हो और तड़ी पार रहा हो, हाँ, जिला बदल रहे हैं जी जी, तड़ी पार रहा हो, ऐसे व्यक्ति जब प्रदेश के ऐसे पद पे पहुंच जाएं कि जो प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के चुनने वाले लोगों की, जो प्रदेश के आने वाले समय में जो प्रदेश को एक दिशा देंगे, दशा देंगे और विकास को सुनिश्चित करेंगे, यहाँ के कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। आपको याद होगा 29 मई 2013 को ये अध्यक्ष थे और पेपर लीक हुआ था, इनसे तो उसी दिन इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए था कि इतनी बड़ी बात हुई थी। मैं तो कह सकता हूं इन्होंने जानबूझ करके पेपर लीक कराया था। और इनके कार्यकाल में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, स्वयं उच्च न्यायालय को संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन अपने समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य के बाद भी, जहां तक मुझे ज्ञात हो रहा है और मुझे जो रिपोर्ट लग रही है अभी कि अनिल यादव के मसले में सर्वोच्च न्यायालय जाने में विचार कर रही है। अब आप जानते हैं कि जैसे कैसे यादव सिंह के मसले में गई और किस तरीके से मुंह की खानी पड़ी और किस तरीके से कई कई आयोगों के अध्यक्षों को, उनके सदस्यों को लगातार उच्च न्यायालय ने अगर के वो न किया होता तो ये तो एकदम प्रदेश में एक अराजकता की स्थिति हो गई। संजीव भाई, कभी आप लोगों को ये नहीं लगता कि भाई मेरे सारे फैसले आयोग अवैध, हाई कोर्ट ने अवैध ठहरा दिए, तीन आयोग मैंने गिना दिया आपको, ठीक ना? कभी आपको नहीं लगता कि चलो जनता से कहें कि हाँ हमें खेद है, हमारे निर्णय गलत थे, कभी ऐसा भाव अंदर से आता है क्या लोकतंत्र में? संजीव जी, नहीं देखिए, ये जहां तक अनिल यादव जी की बात है, नहीं नहीं, मैंने सवाल मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसमें मैंने क्या कहा, तीन आयोगों के अध्यक्ष बर्खास्त कर दिए गए जलालत के साथ, भरपूर जलालत के साथ। हाईकोर्ट के जो निर्णय है वो भरपूर जलालत करते हैं कि इनके सारे सदस्य और सचिव बर्खास्त कर दिए गए आयोगों के। कभी आपको नहीं लगा कि यार मेरी कलम से इतने गलत फैसले हो गए? चलो खेद जताएं अपने सूबे के लोगों से, उन बच्चों से जिन पर लाठी पड़ी, जिन पर मुकदमे लग गए, पुलिस ने जिनके साथ बर्बरता की, इलाहाबाद में, लखनऊ में, हरदोई में, शाहजहांपुर में, फरुखाबाद में, बलिया में, गाजीपुर में, आगरा में पिटे लड़के। संजीव जी, कभी नहीं लगता कि वो भी नौजवान अपने घर के बच्चे हैं, उनसे कहें कि हाँ हमारे फैसला गलत था? अब तो अदालत ने मोहर लगा दी। अमिताभ जी, जहां तक आयोग के अध्यक्षों का सवाल है, तीनों अध्यक्षों की आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो जरूर हुई है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। जनता से अपन माफी मांग ले तो लोगों को, माफी मांगने वाला तो बड़ा होता है, छोटा इसमें क्या समस्या क्या है? ये मालिक है जनता प्रदेश की। अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल सटीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। भाजपा होती यहाँ सरकार में तो मैं उनसे भी यही कहता कि माफी मांगो 22 करोड़ लोगों से, ये हजारों बच्चे मुकदमा झेल रहे अनिल यादव के चलते, लाखों बच्चों का भविष्य चौपट हो गया अनिल यादव के चलते, अनिल के चलते, वाजपेयी के चलते, और सबको हाईकोर्ट ने बाहर का रास्ता दिखाया, माफी क्यों नहीं? संजीव भाई, देखिए अमिताभ जी, हाईकोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता है और विधिक राय ली जाएगी। मैं आपको जानकारी बढ़ा दूं, आपकी जानकारी बढ़ा दूं, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके 3 सदस्य बर्खास्त हुए, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके 5 सदस्य बर्खास्त हुए, यूपी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सचिव बर्खास्त हुआ, आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो तो अंतिम निर्णय हो गया ना, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए इसलिए अंतिम हो गया हाईकोर्ट का ही, तो माफी तो तब मांग लो, माफी से बचने का रास्ता क्यों खोज रहे हैं? मैं क्या समस्या क्या है? मान लीजिए हम अपने प्रदेश के लोगों से माफी नहीं मांग सकते क्या संजीव भाई?
नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस विषय पर देखिए हमारी जो हाई कमान है वो तय करते हैं और हाई कमान ही का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। अरे हजारों बच्चों का भविष्य चौपट हो गया, सैकड़ों बच्चे मुकदमों में फंस गए, टांगे टूट गई, पीठ पर बेत के निशान बन गए, सिर फूट गए, उनका दर्द नहीं दिखता क्या हम लोगों को? अमिताभ जी इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका दर्द भी दिखता, लेकिन वो किस आधार पर और किस तरीके से हुआ होगा? एक बात तो आपको मेरी माननी पड़ेगी कि किस आधार पर उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, ये एक अलग विषय है। जहां तक आपका संबंध है अनिल यादव जी के मैटर पे, अनिल यादव एक प्रजाति है, नाम नहीं है, वो प्रजाति है। 11 लोगों से मोहब्बत ज्यादा कि उत्तर प्रदेश के आवाम से मोहब्बत बड़ी, ये सवाल है आज यहां। शिव प्रताप जी, उत्तर प्रदेश के आवाम के साथ मोहब्बत होनी चाहिए हमारी या इन 11 दागियों के साथ जो बर्खास्त हो गए? नहीं अमिताभ जी, मैं अभी संजीव जी ने कहा है तो मैं एक बात बता दूं कि संजीव जी से इससे अधिक अपेक्षा इस नाते ने कि आखिर ये बेचारे क्या सकते हैं। जिस हाईकमान की बात इन्होंने कहा वास्तव में निर्णय हाईकमान का ही होना चाहिए, लेकिन मैं एक संज्ञान मिला दूं कि वह लड़के लाठी से के शिकार इस नाते हुए कि जाति को हटा दिया गया, इस लोग तो उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के द्वारा जाति को हटा दिया गया, यहां तक यह किया गया कि किस आधार पर उनकी नियुक्ति की जो स्थिति है उसमें भी यह कह दिया गया कि इतना परसेंट इनका। जो लड़के अधिक योग्यता रखते थे वह अयोग्य हो गए, और अनिल यादव जी के निर्णय से जो अयोग्य थे अयोग्य इस नाते हो गए कि उन्होंने अनिल यादव जी को चूम लिया था या अनिल यादव जी को कुछ पेश कर दिया था और अनिल यादव जी के माध्यम से शायद सरकार तक वो पहुंच गया था। आपने जो शुरू में कहा कि कौन सा प्रेम है, कुल प्रेम यही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार करने वालों के साथ रहती है। अनिल यादव एक जबरदस्त भ्रष्टाचारी व्यक्ति थे और उस भ्रष्टाचारी से सरकार को फायदा हो रहा था। अरुण प्रकाश जी, संजीव मिश्रा जी कह रहे हैं कि फैसला लिया जाएगा, विधिक राय ली जाएगी, आलाकमान तय करेगा, लेकिन अभी तो वो लोग भी हैं क्योंकि कोर्ट क्या हुआ जो पहले बर्खास्त हो गए उन पर तो कहीं नहीं गए ना सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, और सबसे बड़ा संकट उन लोगों पर भी है जिनको लेकर अनिल यादव ने फैसले लिए, क्योंकि कोर्ट उस पर भी हथौड़ा चलाने पर विचार कर रहा है। गायत्री जी, मैं ऐसे 2-3 केसों को जानता हूं जो इस प्रदेश में एसडीएम के पद पे सुशोभित हो गए हैं, करीब 60-70 लाख रुपए, और उनके पिता यहाँ सचिवालय में क्लास 1 में हैं। अब वो नाम मैं नहीं लेना चाहता, नहीं नाम मत ले, जिन्होंने 70-70 लाख रुपए दिए हैं। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा अब भी कहा कह रहा हूं कि जिनके कंधों पे, जिन नौजवानों के कंधों पे उत्तर प्रदेश के बहबूदी विकास और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, इस प्रदेश के गरीबों के हित की बात करने के लिए डालनी थी, वहां जब ऐसे भ्रष्टतम अधिकारी शुरुआती दौर से चुन करके भेजे जाएंगे तो क्या हाल होगा उत्तर प्रदेश का? और अगर यही हाल बनाया है तभी तो ये परिस्थिति पैदा हुई है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को यह कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फला जगह जीत रही है और हमारा और उनका भाषा जी सरहद ठीक है। संजीव मिश्रा जी, जब जब कोई विवाद नहीं है, पहले सवाल खड़े किए थे और हमने तब कहा था कि आप पहले ही हटा दीजिए क्योंकि कोर्ट सवाल खड़े कर चुका है, प्रथम दृष्टया वो पूरा मसला, वो पूरा जो अपॉइंटमेंट था अनिल यादव का, वो एक बात जोड़ दूं, संजीव मिश्रा जी की पार्टी के बड़े नेता पारसनाथ जी एक दिन हमारे साथ थे इसी जगह जहां संजीव बैठे हैं, तो मैंने उनसे भी यही कहा था, मैंने पारसनाथ जी ये आपकी सरकार का चेहरा खराब कर देगा आदमी, तो उनका अग्निहोत्र तो पारसनाथ जी ने मुझसे कहा अग्निहोत्री जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और हम सरकार निगाह रखे हुए, मैंने कहा जब तक निगाह रखोगे तब तक तो खेत चुंग जाएंगी चिड़िया, फिर क्या करोगे आप? संजीव जी जो गायत्री सवाल पूछ रहे उसी में जोड़ता हूं, क्या चिड़िया खेत नहीं चुंग गई अब? तब हटाते तो क्रेडिट आपको जाता, फजीहत थोड़ी कम होती, अब तो सब हो गई जितनी होनी थी। संजीव मिश्रा जी देखिए अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस तरीके का निर्णय आया है उससे पार्टी की और सरकार की थोड़ी बहुत छवि पर फर्क पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ी बहुत संजीव जी, उन्होंने पद पर रहते हुए कितने बड़े फैसले, जिस आदमी के खिलाफ गुंडा एक्ट लगा है, जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है, 307 का धारा उस पर लग चुकी है, आप उसको कह रहे हैं कि इतने अहम पद पर वो था और आपकी थोड़ी बहुत फजीहत हुई है?
नहीं गायत्री जी, फजीहत की बात थोड़ी बहुत और उस तरीके की नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई बहुत साफ सी बात है, हाईकोर्ट का निर्णय है, हाईकोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता है, फिर भी विधिक राय ली जाएगी। जिन पे आप अपील में नहीं गए उनका वो तो अंतिम हो गए, उन पे तो आप अपील में गए नहीं, उनका तो टाइम लैप्स हो गया, उनमें उनका क्या करेंगे आप तो वकील हो, जानते हो मालिक। निश्चित रूप से उनके लिए भी जो भी निर्णय होगा वो हाईकमान लेगा, तो माफी मांग लो, हाईकमान ही इस पर। संजीव उनपे तो माफी मांग लो, उनका तो दरवाजा बंद हो गया, आप हाई सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया हाई कोर्ट का निर्णय। देखिए अमिताभ जी, जो लोग नियुक्तियां करते हैं वही लोग इस विषय पर माफी भी मांगे तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे मांगने या न मांगने उसको मतलब नहीं, मतलब साफ सी बात मैंने आपसे कह दिया, देश को अच्छा इसीलिए। एक बात अमिताभ जी, मुझे अच्छा लगा कि संजीव जी ने सही बात कह दिया, अच्छी बात कही कि उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए, हमको और आपको भी माफी मांगनी। जी जी अमिताभ जी, ठीक है, मैं तारीफ करूंगा संजीव मिश्रा की। उत्तर प्रदेश के नौजवान राजनेताओं को ऐसा ही होना चाहिए, जो 10-15 साल बाद उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे बनेंगे, आज की पीढ़ी के जो नौजवान हैं, ये लोग 10-15-20 साल बाद मायावती जी, मुलायम सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, इस सब ऐसी ऐसी मूर्तियों में स्थापित होंगे कहीं ना कहीं जाके। लोग इतनी ईमानदारी रखनी चाहिए। एक नौजवान है इलाहाबाद का, अगर मैं नाम सही याद कर पाऊं, राणा यशवंत प्रताप सिंह, 12-14 मुकदमा ठोक दिए। उसकी गुनाह क्या था? इनके खिलाफ मुकदमा किया था अनिल यादव के खिलाफ कि ये गैंगस्टर है, सिर फोड़ दिया उसका। इलाहाबाद में एक दिवाकर त्रिपाठी है पंडित, उनका भविष्य चौपट कर दिया। क्यों? बोले अनिल यादव के खिलाफ आवाज कैसे उठाई? मना है अनिल यादव के खिलाफ आवाज उठाना, सख्त मना है। अब क्या हुआ? आपने तो लोगों को आवाज उठाने से रोका, हाई कोर्ट ने तो अटारी पे चढ़ के मुनादी पीट दी कि ये अवैध है। मुझे एक बात बता दो, अपना ड्राइवर भी कोई गुंडा एक्ट वाला आदमी रखा किसी ने आज तक? 307 का आरोपी किसी ने चपरासी कोई सरकारी विभाग में हो सकता है क्या? अगर हो सकता हो तो मैं आज पत्रकारिता छोड़ दू, अभी तत्काल इसी मंच से घोषणा कर दू। संजीव भाई को तो समय लगता, मैं तो तत्काल ऐलान कर दूंगा कि मैं पत्रकारिता संन्यास ले रहा हूं, मेरी बात गलत साबित हुई। सरकार में पोस्टमैन नहीं बन सकता, प्राइमरी मास्टर नहीं बन सकता, अस्पताल में कंपाउंडर नहीं बन सकता, गैंगस्टर हमने क्या बना दिया? DYSP और ADM सेलेक्ट करने वाले विभाग का मुखिया। बोले तुम चपरासी नहीं हो सकते लेकिन तुम SDM बना सकते हो। वाह जी वाह, प्रणाम, ऐसा को तुम। लेकिन मैं कहता हूं लोकतंत्र लोकलाज से चलना चाहिए। हाय हे उत्तर प्रदेश के नौजवानों की, हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चे आंदोलित हुए। ये मुकदमे राजनीतिक दलों ने नहीं किए, ये भाजपा और कांग्रेस और बसपा की पिटीशंस नहीं है, ये बच्चों की पिटीशन है शिव प्रताप जी। और बच्चे चंदा करके मुकदमा लड़े हैं, चंदा करके खेत गिरवी रख के आए हैं तब इनके खिलाफ मुकदमा लड़े हैं, चाहे सनिल हो, चाहे वाजपेयी हो, चाहे अनिल हो, इनके खिलाफ, और तब जीते हैं। यानी न्याय का पक्ष किसका था? बच्चों का, हमारे प्रदेश के नौजवानों का। वो लोग सपा बसपा भाजपा कांग्रेस में मत बांटिए, वो हमारे घर के बच्चे हैं, वो उत्तर प्रदेश की तरुणाई है, वो उत्तर प्रदेश का भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़। आपने देखा था होगा संजीव, संजीव मिश्रा की निगाह से भी गुजरा होगा, 80 SDM भर्ती हुए, सेलेक्ट हुए, उसमें 54 कौन थे? जवाहरलाल जी के समय से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, गोविंद पंत के समय से। आप लोग निगाह नहीं डाले, और अब जब आप कुछ सोचोगे भी तब सोचने का वक्त नहीं बचा। संजीव भाई मुझे कहते हुए खेद है, अब माफी का भी वक्त नहीं बचा, वो समय भी गुजर गया। मैंने 5 बार तो मुझे याद है इसी मंच से, उत्तर प्रदेश के राजनेताओं को स्मरण होगा, मैंने 5 बार निवेदन किया था कि सोचिए यह शख्स आप पर भारी पड़ेगा, आपके सब अच्छे कामों की को धो देगा ये एक आदमी। आज वही बात सच साबित हुई। संजीव भाई समझाइए, कभी कभी हमारी बात को भी गौर से सुन लिया करें, सुन लेते तो आज चेहरा इतना खराब नहीं।
आपको पता है इलाहाबाद में मिठाई बांटी लड़कों ने जुलूस निकाला, लखनऊ में निकाला, आगरा में निकाला, बलिया में निकाला, गाजीपुर में निकाला। कभी आपने सुना किसी आयोग के अध्यक्ष के हटने पर ऐसे जुलूस निकला हो, ऐसे गुलाल उलाया गया, फेंका गया हो सड़कों पर? कभी सुना? ये आक्रोश था। मैंने तो ऐसा एक ही दृश्य देखा था, जब 77 में इंदिरा गांधी हारी थी तो मैंने ऐसा दृश्य देखा था, जब जनता ने मिठाई बांटी थी अपने पैसे से। और आज अनिल यादव के हटने पर उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं, नौजवानों में सोचिए पीड़ा कितनी गहरी है, पीड़ा का दंश कितना गहरा है हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भीतर। मेरा पार्टी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं, लेकिन हां, उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ मैं भी वाबस्ता हूं, मेरी भी चिंताएं हैं। योग्यता को स्थान मिलना चाहिए, योग्यता को सम्मान मिलना चाहिए, योग्यता को पद मिलना चाहिए। जो भी इसमें बाधक बने उसको सरकार को हटाना चाहिए। और जब सरकारें अपना काम नहीं करती, लोहिया क्या करते थे? तो लोहिया तो कहते थे जनता करे, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा तो अब अदालतें कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय को मेरा सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद।